नमस्कार, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले की कक्षा में हमने व्याकरण का पाठ एक भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। आशा है आपको वो समझ में आया होगा और उसके द्वारा दी गई अभ्यास पत्रिका भी आपने कर ली होगी। आज हम बसंत का पहला पाठ ध्वनि कविता, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। ध्वनि मतलब गूंज, आवाज। यह कविता कवि ने उस युवा वर्ग को, उस समाज को प्रदर्शित की है जिसमें जोश तो है, उमंग तो है, पर आगे बढ़ने से कतराते हैं, डरते हैं। इसलिए कवि अपने मन के भावों के द्वारा उस जोश और उमंग को इस कविता में युवा पीढ़ी में भरना चाहते हैं और उस युवा पीढ़ी को आलस्य की उस सीढ़ी से उभार कर उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां वे अपने सपनों को साकार कर सके। तो कविता इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि उस युवा वर्ग को जगाते हुए कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे मन में नई उमंगें जागी हैं, कुछ करने की चाह जागी है, अभी तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अभी कोई मेरा दमन नहीं कर सकता। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत आता है और सूखे हुए वृक्षों में नई कोपले खिल जाती हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, वीरान जंगल में जीने की उम्मीद आ जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी वीरान जंगल की तरह था, उसमें भी मृदुल वसंत आया है, अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। बच्चों, यहाँ प्रत्युष का अर्थ है सूरज की पहली किरण जो अंधकार को मिटाकर सुखद सवेरा या भोर लाती है, उससे प्रत्युष कहते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब बसंत आता है तो सारी प्रकृति उत्साह से खिल उठती है, पत्ते हरे हरे उन सूखे पेड़ों पर आ जाते हैं जो सूखे पड़े थे, और चारों तरफ नए नए पेड़ पौधे, डालियों पर नई नई कलियां और कोमल भोरे बोरे खिलने लगती हैं। मैं भी अपने जीवन में जहां पतझड़ था उसे बसंत में बदल दूंगा, अपने दबे हुए सपनों को इन पेड़ पौधों की तरह दोबारा जगाऊंगा। अर्थात जिस तरह बसंत आने पर पतझड़ चला जाता है, उसी प्रकार अपने अंदर की सारी इच्छाओं को एक नई सुबह की तरह जागृत करूंगा। जिस तरह सूरज की एक नई किरण से सारी प्रकृति जाग उठती है, फूल खिलने लगते हैं, उसी तरह मेरे जीवन में भी एक नई सुबह का आगमन हुआ है और उससे मैं एक नई युवा पीढ़ी को जागृत करूंगा। पुष्प पुष्प में त्रादलस लालसा खींच लूं मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज की पहली किरण पुष्प पुष्प से उसका तद्रालस खींच लेती है, अर्थात यह वह स्थिति होती है जहाँ ना सोया जाता है और बस करवट लेते रहते हैं। जब आप कभी लेटते हो तो आलस के कारण इधर उधर अल्टी पल्टी खाते रहते हो, उसी चीज़ को तंद्रालस कहते हैं। बस करवट लेता है, उसके अंदर आलस भर जाता है, फूलों का आलस सूरज की नई किरण जिस प्रकार खींच लेती है, उसी प्रकार मैं नई युवा पीढ़ी के अंदर से वह आलस खींच लूँगा। जिस तरह मेरे अंदर नए अमृत का वास हुआ है, उसी तरह से उनके अंदर नव जीवन का अमृत भर दूंगा, नया उत्साह भर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत आती है और सारी प्रकृति का नया जन्म होता है, प्रकृति मरती नहीं है, उसी तरह अभी मेरा अंत नहीं हो सकता जब तक मैं उन्हें नव जीवन का द्वार अर्थात उनके अंदर जीने की उम्मीद ना जगा दूँ, उनके अंदर का आलस्य खत्म ना कर दूँ, उनकी छिपी हुई उमंगों को ना जगा दूँ, उनके अंदर के डर को ख़त्म ना कर दूँ, उन्हें उम्मीदों के द्वार अर्थात आगे बढ़ने का रास्ता न दिखा दूँ, तब तक मेरा अंत नहीं हो सकता। धन्यवाद।